चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कंगना रनौत की बात कर लेते हैं। किसानों पर दिए बयान पर मचे विवाद के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली कंगना रनौत। अब से थोड़ी देर पहले ये मुलाकात हुई। कंगना रनौत जेपी नड्डा के आवास पर पहुंची। करीब 15 से 20 मिनट ये मुलाकात चली है, बताया जा रहा है, कंगना रनौत और जेपी नड्डा के बीच में, क्योंकि लगातार विवादों में रहा है उनका बयान। और ये देखिए, ये हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जब जेपी नड्डा से मिलने पहुंची कंगना रनौत, उस वक्त की तस्वीरें, उनकी उनका काफिला हम आपको दिखा रहे हैं। अब वो सांसद हैं और उनका एक विवाद, उनका जो बयान है वो विवादों में है। ऐसे में मुलाकात की गई है जेपी नड्डा से। कंगना रनौत की जो मुलाकात है 15 से 20 मिनट तक ये चली है, तो लगातार कॉन्ट्रोवर्सी में है कंगना रनौत। लेकिन कंगना के एक और बयान पर विवाद हो गया है। अब कंगना रनौत के बयान पर कांग्रेस का पलटवार भी आया है। बयान से साफ है कि बीजेपी जाति जनगणना के खिलाफ है। कंगना ने कहा कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। एक और बयान जिस पर विवाद हो सकता है, और कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आ गई है। जाति जनगणना पर कंगना के बयान से अब विवाद खड़ा हो गया है। कंगना रनौत ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में यह बयान दे दिया है। बीजेपी जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं कराएगी, उसके सख्त खिलाफ है। और ये मेरा कहना नहीं है, ये बीजेपी की सांसद, चुनी हुई सांसद कंगना रनौत जी ने कहा है। उनसे दो टूक सवाल पूछा गया था कि क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। बीजेपी की सांसद ने बीजेपी का इस मुद्दे पर स्टैंड क्लियर कर दिया है। अभी तक बीजेपी बचने की कोशिश करती थी, आनाकानी करती थी, इधर उधर इनको उनको दोषारोपण करती थी। अब पूरी तरह से साफ है कि जातिगत जनगणना बीजेपी नहीं कराना चाहती है। उनका मानना है कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो सुप्रिया श्रीनेत को आप सुन रहे थे, और कांग्रेस की प्रवक्ता साफ तौर पर कह रही है कि बीजेपी जातिगत जनगणना के खिलाफ है, और ये इस बात को तस्दीक करते हुए अपने बयान में कहती भी हैं कंगना रनौत। बहरहाल, हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे जुड़ चुके हैं। आनंद, कुछ देर पहले ये मुलाकात हुई है, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या अहम बात निकलकर सामने आई है इस मुलाकात के बाद? जी देखिए, वैसे तो बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा के साथ कंगना रनौत की लगभग 15 से 20 मिनट की मुलाकात हुई, लेकिन कंगना रनौत लगभग एक घंटे तक जेपी नड्डा के घर पर रही थी। और उस वक्त तमाम जो हरियाणा बीजेपी के कोर ग्रुप के जो तमाम नेता थे अंदर मौजूद थे, और उसी बीच में गृह मंत्री अमित शाह भी जेपी नड्डा के आवास पहुंचे थे। और माना जा रहा है कि जेपी नड्डा के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी कंगना रनौत की मुलाकात होगी। ये मुलाकात पहले ही होनी थी, लेकिन तब कंगना मिल नहीं पाई थी। दरअसल जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था किसान आंदोलन को लेकर, और खासतौर से किसान आंदोलन में के जो तमाम नेता थे उनके बारे में उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था कि वहाँ रेप होते हैं, वहाँ हत्याएं हो रही थी, और जो तमाम किसान नेता थे वो विदेशी ताकतों के नुमाइंदे थे। तो ऐसे वक्त में कंगना रनौत का ये बयान आया जब हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी एक एक कदम फूक फूक पर रख रही है। और जैसे ही कंगना का बयान आया, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम विपक्ष के नेताओं ने इसे हाथों हाथ ले लिया। बीजेपी को अंदाजा लगा कि इसका नुकसान हरियाणा में हो सकता है। तमाम वहाँ पर किसानों को लेकर पहले ही बीजेपी को लेकर नाराजगी है। तो आनंद फानंद ने बीजेपी ने कंगना रनौत के बयान से न सिर्फ अलग किया, बल्कि ये भी ताकीद की कि चूंकि ये नीतिगत मामला है, न उनको अनुमति है, न वो अधिकृत है ऐसा बोलने के लिए। और बताया जा रहा है कि आज जो मुलाकात हुई जेपी नड्डा से कंगना रनौत की, उसमें भी पार्टी अध्यक्ष ने उन्हें वही बातें दोहराई है कि अगर आपको बातें करनी है तो आप अपनी कंस्टिट्यूंसी के बारे में बात करिए, मंडी जहाँ से आप सांसद हैं वहाँ के लोगों की जो समस्या है उसके बारे में बात करिए। लेकिन ऐसे बातें जो कि नीतिगत मुद्दे हैं जिस पर पार्टी का शीर्ष स्तर फैसला होता है, या फिर ऐसे मुद्दे जो कहीं ना कहीं सरकार सीधे जुड़े होते हैं, उन बातों पर या उन मुद्दों पर आप बयान न दें, क्योंकि आप एक सांसद तो है लेकिन नीतिगत मामलों पर आपके पास कोई भी ऑथोराइजेशन नहीं है, ना ही आप अधिकृत हैं, ना आपके पास अनुमति के आप बोलें। जाहिर तौर पर बीजेपी नफा नुकसान देख रही है ऐसे बयानों का, कि जाहिर तौर पर जब किसान आंदोलन के बारे में और किसान नेताओं के अपने ऐसे बयान देते हैं, जाहिर तौर पर इसका रिपरकशन होता है और हो भी रहा है। जिस तरह से हाथों हाथ इस मुद्दे को कांग्रेस ने उठाया, बीजेपी को डर था कि इसका ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो बीजेपी ने समय रहते कंगना को न सिर्फ ताकीद की है बल्कि थोड़ा फायर फाइटिंग करने की भी कोशिश की है। आनंद, बड़ी बात यह है कि बीजेपी आलाकमान ने ये दो टूक कह दिया है, कि आप अपने संसदीय क्षेत्र पर ध्यान दें और बाकी नीतिगत फैसलों पर कुछ भी ना कहें, आप इसके लिए अधिकृत भी नहीं हैं, और इसीलिए ये कहा गया। और क्योंकि कंगना रनौत अपने बयान को लेकर विवादों में रही, बैकफुट पर आई, और उसके बाद आज की मुलाकात बहुत अहम मानी गई। ये मुलाकात से क्या निकल कर आया ये बता रहे थे आनंद प्रकाश पांडे।